ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन फर्स्ट आ कंटेंट्स डेफिनेशन ऑफ ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन आइडेंटिकल ऑर्गेनिजम प्रोड्यूसिंग ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन मैथड्स ऑफ अर्ली लाइफ आर रिप्रोडक्शन एंड एग्जाम्पल्स ऑफ एनिमल्स विद ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन सो फर्स्ट वैक्शुअल रिप्रोडक्शन अगर हम वर्ल्ड के स्टूडेंट हिसाब से पहले देखें ए मीन विदाउट एंड सेक्शुअल मीन सेक्स तो मीन्स इट्स अ सेक्स का जो वर्ड होता है ना ये मेल और फीमेल के लिए यूज होता है तो यानी ए सेक्शुअल एक ऐसी रिप्रोडक्शन का मैथड है जिसमें मेल और फीमेल दोनों इन्वॉल्व नहीं है बल्कि सिंगल ऑर्गेनिज्म जो है वो आगे अपनी नस्ल चला रहा है रिप्रोड्यूस कर रहा है तो इस तरह से ए सेक्शुअल रिपोडक्शन मैथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच देर इज नो फ्यूजन ऑफ गैमिट्स की डिफरेंट हम मैथ डेफिनेशन कर सकते हैं पहली डेफिनेशन होगी ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इज द मैथड ऑफ़ रिप्रोडक्शन इन विच देर इज़ नो फ्यूजन ऑफ गैमिट्स फ्यूजन का मतलब मिलना जो कंबाइन होना दूसरी डेफिनेशन हम यू कर सकते हैं कि ए रिप्रोडक्शन रिपोडक्शन मैथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच ऑनली वन सेक्स इज इन्वॉल्व वन ऑर्गनिज्म कैन रिप्रोड्यूस कैन कंटिन्यूट जनरेशन सो और थर्ड हम ये कर सकते हैं कि ए सेक्श रिप्रोडक्शन इज़ द मैथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच देर इज नो प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस नहीं है तीनों जो है वो सेम डेफिनेशन हैं सो व्हाट इज द आउटपुट ऑफ ए सेक्शुअल प्रोडक्शन ए सेक्चुअल प्रोडक्शन में बेसिक अगर हम देखें तो ये एक ए सेक्शुअल प्रोडक्शन इज ड्यू टू माइटोसिस सेल डिपीन के दो मेथड्स हैं मियोसिस एंड द माइटोसिस अब ए सेक्शुअल के अंदर बेसिकली माइटोसिस इन्वॉल्व है और माइटोसिस में जो सेल्स बनते हैं दे आर आइडेंटिकल इसका मतलब ये हो कि एक ऑर्गेनिज्म है जब उसका ए रिप्रोडक्शन के थ्रू जो यंग वन बनेगा वो थ्रू माइटोसिस बन रहा है तो इसका मतलब जो यंग वन होगा इट विल बी आइडेंटिकल टू इट्स पेरेंट तो अपने पेरेंट्स का क्या होगा आइडेंटिकल होगा तो वैन आइडेंटिकल पेरेंट्स हैं दूसरा देर इज आर नो जेनेटिक रिकम्बिनेशन जिनेटिक रिकम्बिनेशन नहीं है जीन शफलिंग नहीं हो रही है जिसकी वजह से बिल्कुल वो उसकी एग्जैक्ट कॉपी होगी तो अब जो जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑर्गेनिजम्स होंगे तो उनके अंदर वेरिएबिलिटी नहीं होगी वो बिल्कुल एक जैसे होंगे तो इस तरह से हमें उनके अंदर जो फीचर्स हैं जो ट्रेड्स हैं उनके अंदर जो वेरिएशन होती हैं वो नहीं मिलेंगी सो so, ए सेक्शुरी प्रोडक्शन वॉज द ऑनली वे ऑफ रिप्रोडक्शन ड्यूरिंग अर्ली लाइफ जब लाइफ स्टार्ट हुई अर्थ के ऊपर तो इट्स अबाउट फोर बिलियन ईयर्स गो फोर बिलियन ईयर्स गो जब लाइफ स्टार्ट हुई अर्थ के ऊपर तो उसके ऊपर उस वक्त जो रिप्रोड्यूस करने का जो मैथड था एनिमल के पास डेट वॉज द ए सेक्शरी प्रोडक्शन और ये रहा तकरीबन आप टू टू बिलियन ईयर्स को यानी दो पहले अगर लाइफ के जो पहले दो बिलियन साल हैं दो अरब साल जो हैं वो उस दौरान जो है वो ए सेक्शुअल रिपोर्डक्शन के थ्रू ही एनिमल रीपो ऑर्गनिज्म जो थे वो रिप्रोड्यूस करते हैं तो दो अरब टू बिलियन ईयर्स के बाद जाकर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन का मैथड इवॉल्व हुआ और एनिमल्स ने जो है वो सेक्शुअली भी रिप्रोड्यूस करना शुरू किया तो इसके बाद सेक्शुअल और रिप्रोड्यूस ए सेक्शुअल दोनों जो है वो मौजूद हैं अब जब अगर हम देखें एवोल्यूशन ऑफ लाइफ को देखें जो पहले दो बिलियन साल्स हैं फर्स्ट टू बिलियन ईयर्स जो हैं उसमें चूँकि ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होती रही है ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के अंदर डाइवर्सिटी कम होती है जेनेटिक वेरिएबिलिटी कम आती है जब जेनेटिक वेरिएबिलिटी कम आएगी तो एवोल्यूशन का प्रोसेस भी स्लो होगा इसलिए जब हम एवोल्यूशन ऑफ लाइफ को देखते हैं तो फर्स्ट टू बिलियर्स जो हैं पहले दो बिलियन साल जो हैं उसके अंदर लाइफ की जो एवोल्यूशनरी प्रोसेस है बड़ा स्लो है फिर जब सेक्शुअल रिप्रोडक्शन आई तो एवोल्यूशनरी प्रोसेस फास्ट हो गया वाट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एनिमल्स विद द ए सेक्शुअल रिपोडक्शन ए सेक्शुअल प्रोडक्शन में अगर हम देखें तो हमारे पास इसमें द प्रोटोजस प्रोटोज हैं प्रोटोजोन हमारे अमीबा पैरामीशियम, या फिर इसके अलावा जो वो युगलिना uh, है ठीक है टेट्राहेमिना है जितने भी यूनिसेल ऑर्गेजम्स हैं या फिर इसके अलावा जो मलेरिया पैरासाइट है हमारे पास दिस इज आल्सो दो प्रोटोजोन्स तो प्रोटोजोन्स के अंदर जो इंपॉर्टेंट में जब रिसोसज अवेलेबल होते हैं दे रिप्रोड्यूस बाई द ए सेक्शुअल मैथड जब एक ख़ास इन्वामेंट के अंदर जाकर वो सेक्शुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं लोअर इन्वर्टि हाइड्रा जेलीफिश ओबिलिया इवन प्लेनेरिया और इस तरह से बहुत सारे स्टार फिश तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो एनिमल्स हैं टेप वर्म्स हैं जिस तरह से ये जो इन्वर्टि हैं दे डू रिप्रोड्यूस दे हैव रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल फॉर द ए सेक्श रिपोडक्शन वो ए सेक्शुअल रिपोडक्शन के थ्रू क्या करते हैं अपनी नस्ल आगे बढ़ाते हैं यहाँ इंपॉर्टेंट आपने याद रखना है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हमने जिक्र किया है जितने भी एनिमल्स हैं दे कैन रिप्रोड्यूस बाई सेक्शुअल एंड ए सेक्शुअली रिप्रोड्यूस प्रोडक्शन सेक्शुअल मैथड भी उनके अंदर है और ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन का मैथड भी उनके अंदर मौजूद है तो इससे ए सेक्शरी रिप्रोडक्शन को अगर हम देखें तो जो लोअर यूनिवर्टिबेड्स हैं उनके अंदर ये ज़्यादा है उसकी वजह यह है. है कि जो लोअर यूनिवर्टिव है लोअर है शुरू के फाइला फाइलम प्रोटोजा पोरीफिरा सीलन ट्रेटा ये शुरू का जो फाइलम है इनके अंदर ज़्यादा हमें मिलेगी ए जबकि जो एंड वाले फाइलम है आर्थ्रोपोर्स है मोलोसेक्स है इनके अंदर हमें कम मिलेगा जब वो ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन क्योंकि जितना सिंपल फाइलम होगा उसके अंदर रीजनरेशन की कैपेबिलिटी उतनी ज़्यादा ही और उतना ही बेहतर वो ए सेक्शुअली रिप्रोड्यूस कर सकेगा टाइप्स ऑफ ए सेक्शुअली रिपोर्टक्शन की कर बात करें एनिमल्स के अंदर ए सेक्शुअल रिपोडक्शन फोर जो है मेजर टाइप्स एग्जिस्ट करती हैं नंबर वन देयर इज द फिशन फिशन का मतलब होता है डिवाइड करना तो फिशन मैथड सेकंड वन इज द बर्डिंग थर्ड वन इज द फ्रैगमेंटेशन एंड द फोर्थ वन इज द पार्थिनोजेनेसिस।